क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू सो मच। पहले से भी मेरा बचपन याद आ चुका है, मेरा खुद का बेटी 4 ईयर्स का है। तो जो चैलेंज दिया गया है मुझे कि जब हम बचपन में जब छोटे थे बहुत स्कूल में जाते थे तो क्या क्या चीज़ मुझे पसंद था, तो ये चैलेंज आप लोगों को देखना है। तो सच में चलिए, बचपन आ चुका है, याद आ चुका, मेरा खुद का जो बेटी है उससे मतलब उससे भी छोटा हो जाएंगे क्या? तो क्या बोले, चैलेंज ले लिया है तो एक्सेप्ट कर लिया है, चैलेंज दे चुके हैं तो मतलब बहुत हैप्पी हूँ। इतना अच्छा अच्छा चैलेंज मुझे आ रहा है सच में, ये चैलेंज में तो मेरा बचपन याद आ चुका, तो बहुत हैप्पी हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। थैंक यू मेरे परिवार में सभी को जो चैलेंज मुझे ऐसे दिया है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या चीज़ हम पसंद करते हैं और क्या चीज़ देखने के मतलब आप भी मतलब इंतज़ार कर रही है बहुत देर से। तो चलिए अब चैलेंज ले लेते हैं और दिखा देते हैं। दिया हुआ एक कैरेट चैलेंज, जो मैं इवनिंग के आने के बाद ये कैरेट जूस क्यों पीते थे ये चैलेंज भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। मेरा जो चैलेंज आप लोग दिए हैं मेरा बचपन याद आ चुका है, तो सच में थैंक यू सो मच। और ये पूरा वीडियो जानने के लिए मेरा वीडियो वॉच कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो कौन सा बैग हम यूज़ करते थे, पसंद था मुझे स्कूल बैग या फिर आपका वैनिटी बैग। बचपन में हुआ भी स्कूल बैग नहीं लेंगे तो स्कूल में तो निकल देंगे स्कूल से ना, तो वैनिटी बैग तो पसंद अभी मैंने मतलब होते तो वैनिटी बैग ही पसंद करते, लेकिन बचपन में होना सब्सक्राइब के लिए चैलेंज के लिए तो स्कूल बैग। स्कूल पे जाएंगे तो क्या पसंद करते थे, कैंटीन का खाना या फिर लंच बॉक्स का। ठीक है, स्कूल में कैंटीन का बहुत छोटा थे तो कैंटीन का खाना घर में से भी अलाउड नहीं था, स्कूल में भी तो नहीं अलाउड था, तो मुझे लंच बॉक्स ही पसंद है। और देखते हैं क्या क्या लंच दे चुके हैं। हाँ, लंच बॉक्स पसंद है और यहाँ पर जो लंच है अभी खाएंगे भी अभी, क्योंकि बचपन में हूँ ना आप लोगों के वजह से, तो खाने बैठ जाती हूँ फिर वीडियो करती हूँ। ओके, जब हम पानी पीते थे स्कूल में बचपन में तो क्या बोतल हम पसंद करते थे, वाटर बोतल या फिर आपका कोई किसी तरह विसरेडी का बोतल है। देखिए वो बोतल तो हम स्कूल पे नहीं अलाउड थे, मेरे घर पे भी नहीं अलाउड था, मैं बचपन में हूँ वो बोतल यूज़ करके कैसे खाएंगे, तो मुझे पसंद था वाटर बोतल। हाँ वाटर बोतल, अब चलिए अभी खाए नहीं, अभी तो कैमरे के सामने खाएंगे तो मेरा बेटी बोलेगी अरे बचपन में आ चुकी हो लेकिन फिर भी ये बोतल खा रही हो, तो ऑफ कैमरे में खाती हूँ, लेकिन खाऊंगी तो ज़रूर। स्कूल में पढ़ते थे तो 2 टाइम्स आपका टिफिन ब्रेक होता था, टिफिन ब्रेक जो आपका छोटा फ्रूट वगैरह कुछ तरह ले जाते थे, और जो बाद में होता था तो बहुत ज़्यादा भारी थोड़ा टिफिन ले जाते थे। लेकिन फ्रूट में मैं बहुत मैंने मतलब छोटे से बचपन से ही मैं फ्रूट बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो क्या ले जाएँ फ्रूट के अंदर, प्रोमिगेट या फिर एप्पल। देखिए प्रोमिगेट तो हम क्या बोले ऐसे मतलब खाना इतना पसंद नहीं, एप्पल मुझे हर रोज़ फेवरेट है, हर टाइम फेवरेट है, बचपन से कर अभी तक एप्पल हर रोज़ इंटेक करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं एप्पल अभी भी खाने वाली हूँ एप्पल। थोड़ा आँख बंद कर लेना, ओके आँख बंद कर लेना, मैं थोड़ा एप्पल खा ली तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आ जाती हूँ। तो हम क्या यूज़ करते थे, पेन या फिर पेंसिल। देखिए बचपन में आ चुके हो तो बचपन में तो पेन अलाउड नहीं थे, तो हम चूज़ करेंगे पेंसिल। बचपन में थे जब कलर यूज़ करते थे कौन सा कलर हम यूज़ करते थे, स्केच पेन या फिर ऐसे पिंट कलर। तो देखिए स्केच पेन तो अलाउड नहीं था पहले बचपन में, तो तभी से लेकर आज भी मेरा फेवरेट है ये कलर। जाते थे तो क्या यूज़ करते थे, आपका मेकअप या फिर कोई किसी तरह बेबी क्रीम। देखिए मेकअप तो बचपन में नहीं करते थे, अभी भी पसंद नहीं करते, फिर भी कर लेते हैं, लेकिन बचपन में मेकअप अलाउ भी नहीं थे, मैं पसंद भी नहीं करते थे, तो बीबी क्रीम। घर में आते थे तो घर में आने के बाद किसी तरह जूस हम पीते थे, तो यहाँ पर ऑप्शन लगा है आपका बनाना या फिर कैरोट। देखिए जब हम घर में आते थे तो इवनिंग मतलब 4 या 4:30 बज जाते थे, तो आने के बाद वो इवनिंग टाइम में अगर हम बनाना खा लेते तो एसिड का प्रॉब्लम हो जा सकते थे, या फिर बनाना खाने से और भी कुछ भी नहीं खा सकते थे, क्योंकि घर में आते तो बहुत भूख लगते थे और मैं खाना बहुत ज़्यादा फ्रूट वगैरह कुछ भी खा लेते थे, तो इसीलिए मैं आप दो ऑप्शंस रखे आप ये बनाना और कैरेट, तो क्या लेंगे कैरेट ही पसंद करते क्योंकि जूस बना के खा लेंगे। आज का चैलेंज मेरा ख़त्म हुआ, देखिए 10 मिनट के अंदर ही हो चुका है, इतना इंटरेस्टिंग जो चैलेंज दे रही है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ये चैलेंज खास करके जो बचपन मुझे याद आ चुका है, तो थैंक यू सो मच।
और नेक्स्ट चैलेंज के लिए मैं तैयार हूँ, आप लोग भी भेजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक बनते हैं। आज के लिए इतना से, थैंक यू सो मच।